ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आपने देखा जिस तरह लीनियर मोमेंटम एम इनटू वी, तो यहाँ पे क्या होगा, एल इज इक्वल टू व्हाट, आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। नो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे सेंटेंस लिखना आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ऑफ डी टी एल इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज अगर होगा, यहाँ क्या होगा, आई ओमेगा। सो आई क्या है, जिस तरह मास स्केलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द पार्टिकुलर बॉडी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कभी भी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से या डेरिवेटिव से बाहर। तो डी ऑफ डी टी और ये क्या आपका ओमेगा, क्या है ओमेगा। आपको बता चुके हैं जिस तरह आपका डीवी अपॉन डीटी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो उस तरह से डी ओमेगा अपॉन डीटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आई, और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए बहुत ही ध्यान से यहां पर देखना आपको क्या, कि जिस तरह आपका अभी हमने प्रूफ किया था कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, क्या होता है आई अल्फा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी और आई इनटू अल्फा भी। जिस तरह एफ इज इक्वल टू लीनियर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। तो यहाँ पे आई इनटू अल्फा मतलब क्या, ये क्या आया टाउ, टाउ क्या एक्सटर्नल, टाउ नेट, जो आपका टाउ एक्सटर्नल लग रहा है, एंगुलर फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ, रेट मतलब क्या, टाइम का डिवाइड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क या टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। या पढ़े भी हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है कि अगर पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू एम, कॉन्स्टेंट बाहर गया, और डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ नेट। तो जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये तो वही तो बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग क्लास में, जब तक आपका फोर्स लगेगा नहीं तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, यू इज इक्वल टू जीरो, मोबाइल रेस्ट पर है, टेबल पर, बुक टेबल पर रेस्ट पर है, कोई बॉल रुका हुआ है, जब तक आप फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक यहाँ पर चेंज इन स्टेट नहीं होगा, ये मोशन में नहीं आएगा। तो रेस्ट टू मोशन लाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, और रेस्ट टू मोशन लाना मतलब क्या, यहां पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहले एम इनटू जीरो था, एम इनटू यू, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, एम इनटू वी। तो मास तो वही है, जब रेस्ट पर भी था तो मास वही है, वेलोसिटी में भी है तो मास वही है, क्यों, क्योंकि मास इज व्हाट, इनवेरिएंट इन नेचर,
ऐसा नहीं कि ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है कि आपका मास ट्रेमेंडस चेंज होगा, नहीं। जनरल केस में मास क्या होता है? इनवेरिएंट इन नेचर। तो जब यहाँ मोशन हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंटम में चेंज कराना है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कराना है, देन यू हैव टू अप्लाई द नेट एक्सटर्नल फोर्स। जब तक फोर्स नहीं तब तक नहीं। मान लीजिए बॉल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी, और यहाँ पर अगेंस्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स खींच रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ फोर्स लग रहा है। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड वा डिक्रीजेस। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वेलोसिटी घटकर मान लीजिए जीरो हो गए, यहाँ पर जीरो हो गए वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर u इज इक्वल टू था कुछ वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर u वेलोसिटी था, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ भी क्या हो रहा? मोमेंटम चेंज। कब? जब फोर्स लगा तब। तो उस तरह यहाँ भी है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चेंज कराना है तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कौन सा फोर्स? लीनियर नहीं, एंगुलर। मान लीजिए एक व्हील है, चक्का, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक व्हील है, पहिया है, या फिर जो आपको, ठीक है, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ ये, ठीक है, अभी रिवॉल्व करा रहे हैं। तो पहले आपने एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, पहले आप जो टॉर्क है आप कम दी, ये कम कम मूव कर रहा है, कम रोटेशन हो रहा है, इसका सेंटर मास यही। तो ऐसा नहीं कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, बॉडी ऊपर भी नहीं जा रहा है, बॉडी नीचे भी नहीं आ रहा है, बॉडी लेफ्ट में भी नहीं जा रहा है, बॉडी राइट में भी नहीं जा रहा है। तो वहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यही है, पर आपने कम टॉर्क लगाया, कम एंगुलर फोर्स लगाया, तो कम टर्निंग मोशन होगा। तो कम आपका जब ओमेगा है, अल्फा है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कम है। पर जैसे ही आप टॉर्क ज्यादा लगाए तो इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा टॉर्क उतना आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड, उतना ज्यादा होगा। जैसे आप देखे होंगे टॉर्क बाइक में या कार के इंजन में लिखा रहता है, इतना टॉर्क है, इतना आरपीएम है, इतना हॉर्स पावर है इंजन। तो जितना कम पावर उतना आरपीएम कम, जितना ज्यादा एचपी, जितना ज्यादा हॉर्स पावर, उतना आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, उतना मोशन क्विकली आप गेन कर सकते हैं। जो जगुआर है या जो बीएमडब्ल्यू कार है जो हाई रेंज में आता, उनका एचपी क्या होता है? हॉर्स पावर बहुत ज्यादा होता है उनका। क्या है? 30 सेकंड में आपका स्पीड 300-200 टच करता है। क्यों? तो उतना पावर है, उतना आरपीएम दे रहा है वो। जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना एंगुलर फोर्स लगेगा, उतना आपका रिवोल्यूशन होगा पर सेकंड। तो टॉर्क कम, एंगुलर फोर्स कम, तो रिवोल्यूशन कम। और टॉर्क ज्यादा, टॉर्क अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं एंगल में, एंगुलर फोर्स ज्यादा है, तो उतना ज्यादा आपका एंगुलर में टर्निंग मोशन होगा, उतना ज्यादा आपका एंगुलर में बॉडी टर्न करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर अभी जस्ट अभी पहुंचे नहीं हम लोग, बस ये अब यहां पर देखिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है अब वो देखिए, कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अभी आपने एक स्टेटमेंट क्या देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरा क्या है कि जब किसी बॉडी पर टॉर्क लग ही नहीं रहा है, आप फोर्स लगा ही नहीं रहे, पहले यहां समझिए ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो बॉडी क्या रहेगा? सेम स्टेट में रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो ये मोशन में आएगा ही नहीं, तब भी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो। आप एक घंटे बाद देखिए, आप एक साल बाद देखिए, आप एक महीने बाद देखिए, बॉल क्या रहेगा? रेस्ट ही पर रहेगा, क्योंकि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक वहां पर चेंज इन स्टेट नहीं होगा, उसका इनर्सिया चेंज नहीं करेगा। उस तरह अगर एक बॉडी मोशन में है और वहां फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, आपका एयर प्रेशर भी नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब फोर्स नहीं तो ये क्या होगा? जिंदगी भर यही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। आप एक मिनट बाद देखिए, एक साल बाद देखिए, ठीक है। जैसे आपका जितने भी आपका जो एंगुलर स्पीड है प्लैनेट्स का, वो क्या है? कांस्टेंट है। आप देखिए अर्थ का जो टाइम पीरियड है क्या है? 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड, जिसको अप्रोक्स में हम लोग बोलते हैं 24 आवर, अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है 24 घंटे में दिन और रात होता है, ठीक है,
एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है? 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकंड। तो 24 आवर में रात दिन हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि 25 घंटे का दिन हुआ, या कभी ऐसा हुआ है कि 23 घंटे का हुआ, 22 घंटे का? नहीं, क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड जो अर्थ का है, ठीक है, जो अर्थ का आपका एंगुलर स्पीड है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये कॉन्स्टेंट है। अगर ओमेगा आपका वैरी करता, ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड भी वैरी करता, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो जब आपका ओमेगा वैरी करता, टाइम पीरियड वैरी करता, पर ओमेगा किस पे वैरी करता? टॉर्क पर। क्या लगता है? टॉर्क पर। आपको पता है वहां स्पेस है, वैक्यूम है। ऊपर वाले ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि यहाँ देखिए, अच्छा ऊपर वाला चाहता तो वहां भी ऊपर एयर बना सकता था, है कि नहीं? जब अर्थ में एयर बनाया तो ऊपर क्यों नहीं बनाया? ऊपर बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं था, पर ऊपर क्यों नहीं बना, यही कारण है कि अगर आपका ऊपर एयर होता तो वहां भी क्या होता? एयर फ्रिक्शन होता। एयर फ्रिक्शन से सारा टाइम पीरियड कम होता, वेलोसिटी कम होता, एक दूसरे से प्लैनेट टकराते, जो मेट्रोइड्स है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आपस में टकराते, ठीक है। पर सब कुछ कॉन्स्टेंट है, सब अपने अपने पाथ में मूव कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो मेट्रोइड्स है जो टकराने के बाद कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, ठीक है, कॉमेट्स वगैरह, तो बाय चांस अभी तो इतना टकराया नहीं है, ठीक है। पर जो रिवोल्यूशन है टाइम पीरियड ऑफ ऑल द प्लैनेट्स लाइक द मर्क्यूरी, जो भी है, जुपिटर है, सैटर्न है, अर्थ है, वेनस है, तो ये क्या है? ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। फिक्स्ड पाथ भी है, फिक्स्ड टाइम पीरियड भी। अगर ओमेगा भी वैरी करता तो पाथ भी वैरी करता, पर सब कुछ वैरी कराने के लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा ना, तो वहां तो फोर्स है ही नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जब टॉर्क नहीं होगा तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। मतलब जो मोमेंटम है वही मोमेंटम रहेगा। जैसे पहले बॉडी रेस्ट पर था तो एम इंटू यू, तो एक घंटे बाद, एक साल बाद भी क्या है? एम इंटू यू। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। उस तरह बॉडी मोशन में है, फाइनली भी क्या है? मोशन में है, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो पी आई इज इक्वल टू व्हाट? पी एफ। कब? जब यहाँ फोर्स एक्ट नहीं होगा तब। जब यहाँ पर फोर्स एक्ट होगा ही नहीं तो ये मोमेंटम क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। तो उस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ लीजिए इन शॉर्ट, कि अगर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू अभी आपका टाउ आया, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी आया, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ये लिखना आपको एग्जाम में कि इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, in the absence of external torque, in the absence of external torque, तो dl upon dt is equal to क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका दो मीनिंग है। पहला क्या? पहला तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जैसे d of dt, और यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, g है, कैपिटल g है, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। वो आपका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, आप उसको डिफरेंशिएट स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां से एक एक मीनिंग क्या आएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट कब होता है? जब आपका एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो? फाइन मोमेंटम कंजर्व हो। तो यहां से क्या आएगा आपका? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आई ओमेगा। तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू व्हाट? आई टू ओमेगा टू। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। तो यहां से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए क्या कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्योंकि यहां पर क्या आएगा आपका? आई वन अपॉन आई टू, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। I1 upon I2 is equal to what? Omega 2 upon omega 1. तो ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं यहाँ पर कि momentum, ठीक है, moment of inertia is what? The inversely proportional to angular velocity. जिसमें angular velocity ज्यादा है उसका moment of inertia कम होगा, और जिसमें moment of inertia ज्यादा है उसका angular velocity क्या होगा? कम होगा। Reciprocal, inversely, ठीक है। तो ये बहुत important है। अच्छा, दूसरा क्या देखना आपको यहाँ से? एक तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, तो यहाँ कांस्टेंट मतलब क्या? वैल्यू बराबर होना चाहिए इनिशियल और फाइनल। एक मीनिंग ये समझिए कि डी ऑफ डी टी, एल मतलब क्या? आई ओमेगा, और इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। इज इक्वल टू व्हाट? जीरो।
ठीक है। अब देखिए यहां पर कभी भी ये तो जीरो है, क्यों? क्योंकि यहां पर टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो ये तो जीरो है। पर कभी भी किसी बॉडी का मास और कभी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन डस्ट पार्टिकल का मास है, डस्ट पार्टिकल तो दिखता है, डस्ट पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनका मास है, रहे कि नहीं, तो उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी पार्टिकल का जीरो नहीं हो सकता। तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डीटी क्या होगा? जीरो। डी ओमेगा अपॉन डीटी क्या होगा? जीरो। डी ओमेगा अपॉन डीटी मतलब क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंज इट, ठीक है। मतलब एक घंटे पहले जो था ओमेगा अभी भी वही है, एक साल पहले जो ओमेगा था अभी भी वही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, जो मेन फैक्टर है, जो की फैक्टर है जो ओमेगा को चेंज करा है, वो टॉर्क एंगुलर फोर्स, वही जीरो है, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क चेंज इन स्टेट नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट पर था इनिशियली तो फाइनल भी क्या होगा? रेस्ट पर। और अगर कुछ इनिशियली ओमेगा है तो फाइनल भी ओमेगा ही होगा, ठीक है। कब? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, तो याद रखना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बट कब? जब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग कल करके बताएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए एक मिनट में, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। तो आपको पता है एमवीआर क्या होता है? एमवीआर, एम मतलब क्या? किलोग्राम, केजी। वेलोसिटी मतलब क्या? मीटर पर सेकंड। आर मतलब क्या? मीटर। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस वन, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस वन, याद रखना है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? जूल्स, जो प्लांक्स कांस्टेंट उसके बराबर होता है, प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। प्लांक्स कांस्टेंट का भी क्या होता है? ई इज इक्वल टू व्हाट? एच न्यू। तो एच इज इक्वल टू व्हाट? ई अपॉन न्यू। एनर्जी मतलब क्या? आपको पता है एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। एनर्जी मतलब क्या? जो हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, सबका बराबर है। जैसे काइनेटिक एनर्जी एम मतलब क्या? केजी। और वी स्क्वायर मतलब क्या? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। और अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स, मतलब टी इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और होता ना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये सेकंड इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल स्क्वायर, देखिए माइनस टू है, ये ऊपर गया तो क्या होगा? प्लस वन। ये टाइम का माइनस वन है, ऊपर गया तो क्या होगा? प्लस वन। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा? माइनस। तो एंगुलर मोमेंटम का और प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है, यूनिट क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम, याद रखना ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका लास्ट टॉपिक बचा है रोलिंग मोशन। तो अगर आज हमको टाइम मिलता है तो हम आज आपका वीडियो लेक्चर बना के रेडी रखेंगे ताकि कल भेज सकें, और ये आपका पूरा का पूरा रोटेशनल कंप्लीट हो गया, बोर्ड का, एंट्रेंस का कुछ भी अभी, मतलब समझ लीजिए 50% एंट्रेंस का कंप्लीट हुआ, क्योंकि एंट्रेंस में बहुत डेप्थ है, ठीक है। तो बोर्ड का लगभग आपका ये रोलिंग मोशन के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितना आपके एग्जाम में आ रहा उतना हो जाएगा।